जो एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर नाबालिग जोड़े की शादी पर पंचायत का फरमान जारी हुआ है, तो लड़के पक्ष का समाज और गांव में हुआ है बहिष्कार। एक हफ्ते पहले दोनों नाबालिगों की हुई थी चोरी छिपे शादी और नाबालिगों का डांस करते वीडियो जो वो वायरल हुआ था, तो पंचायत ने इस वीडियो के चलते सुनाया है लड़के पक्ष को तुगलकी फरमान। पंचायत के बाद लड़के पक्ष पर घर पर लगा है ताला और भौराकला थाना क्षेत्र के भौराकला गांव का ये मामला है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो लड़के और लड़की दोनों नाबालिग हैं, उनका डांस करते जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये कार्रवाई, ये पंचायत ने ये तुगलकी फरमान सुनाया। तो आपको बता दें, तुगलकी फरमान के बाद गांव और समाज ने बहिष्कार किया है लड़के पक्ष का। तो ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, लड़के पक्ष का समाज और गांव में हुआ है बहिष्कार। मुजफ्फरनगर के भौराकला थाना क्षेत्र के भौराकला गांव का मामला है। तो चोरी छिपे शादी की गई थी और नाबालिगों का डांस करने का जो वीडियो है ये वायरल हुआ था, और नाबालिग जोड़ी की शादी पर पंचायत का फरमान जो है वो सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वरुण शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। वरुण, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ और ज्यादा इस पर जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है भौराकला गांव के पश्चिम माचिया का है, जहां पर 13 तारीख को एक नाबालिग की शादी कर दी थी। इस नाबालिग की शादी के बाद से इसका जो बाबा था वो बहुत नाराज था, उसी ने पुलिस को तहरीर देकर ये नाबालिग मामले को पुलिस के संज्ञान में लाया। और उसी के बाद फिर एक गाँव में पंचायत भी हुई है, पंचायत ने गांव में से जो है लड़का लड़की दोनों को बाहर निकालने का फरमान जारी कर दिया है, और वहीं पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया नाबालिग के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो एक हफ्ते पहले दोनों नाबालिगों की चोरी छुपे शादी की गई थी और नाबालिगों का डांस करते वीडियो वायरल हुआ था, और जिसके बाद लड़की पक्ष के व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी और उसके बाद केस दर्ज हुआ है नाबालिगों की शादी करने का, और वही पंचायत ने भी फरमान जारी कर दिया।